सदर मजलिस सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब से चंद असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र चंद सवाल के तौर पर लिया जा रहा है। मैं सबसे पहले जनाब सैयद गुलाम अहमद साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि फिल वक्त यहाँ पर पार्टी क्या क्या मौकफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तमाम मजलिस तहज मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स कोऑप्शन मेंबर सुदूर मोतमदीन और कमेटी के अरकान बीआरएस के हक में एडी चोटी का जोर लगाकर काम कर रहे हैं। कल और आज आने वाला कल तीन दिन पूरे 5000 लोग का हमारा कैडर है, उसके अंदर 1000 ख्वातीन है, 4000 जेंट्स हैं। बिना कोई मुतालबा और बिना कोई कंडीशन के गंगुला कमलाकर कैंडिडेट के हक में हर घर घर को जाकर हर वोटर को कन्विंस कर रहे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह करीमनगर डिस्ट्रिक्ट टाउन में 26 कॉन्स्टिट्यूंसी गंगुला कमलाकर के हक में, जैसे कि 2018 में जिस तरह मजलिस तहज मुस्लिमीन और करीमनगर के माइनॉरिटीज के सपोर्ट से जिस तरह जीत हुई, ये 2023 में भी इंशाल्लाह गंगुला कमलाकर की जीत होगी। ये करीमनगर में यहाँ पर खसूसी तौर पर यह देखा जा रहा है कि 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो है हुकूमत वादा खिलाफी की, इस ताल्लुक से आपकी क्या है? ये जो 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो ऐलान करे वो 2009-2014 के इलेक्शन के टाइम का उनका वादा था, और 2014 के बाद फिर 2018 में भी इलेक्शन आया और जब भी इसका कोई असर आवाम में नहीं था। वादा करे मगर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई माइनॉरिटीज को एजुकेशन में टीआरएस की जानिब से केसीआर साहब के स्कीमों से कई माइनॉरिटीज को फायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि 12% का इफेक्ट आवाम में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि रेसिडेंटल स्कूल्स है, इंग्लिश के 204 स्कूल हैं, लाखों के बच्चे मुस्लिम पढ़ रहे, उसके अंदर भी पढ़ के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर लोग तो खुश है। वैसे नाराजगी तो हर एक को किताबी दो फिर थोड़ी बहुत क्या करे ही बोल के बोल दे, मगर केसीआर साहब के 2014 से 2023 तक कई क्या बोलते तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपिंग के है, पूरा तेलंगाना खुद देख रहा। उसके अंदर क्या बोलते तो कांग्रेस गवर्नमेंट से ज़्यादा अगर फायदा हो रहा तो तेलंगाना सेपरेट होने के बाद केसीआर साहब की क़यादत में हर कम्युनिटीज़ के लोग क्या बोलते तो खुश है। खाली लोन का बेस बनाना नहीं, बाकी क्या और कई चीज़ें हैं, अपने शहर आबाद हो गए, अपने डिस्ट्रिक्ट आबाद हो गए, अपने महल आबाद हो गए, 20 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये वाली गुंडे वाली ज़मीन जाके 50 लाख रुपये, 60 लाख रुपये वाली हो गई, 20-30 लाख रुपये एकड़ वाली ज़मीन 4 करोड़-5 करोड़ रुपये को एकड़ वाली हो गई। ये भी लोग देखना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला करंट का है, जो 24 घंटे करंट आ रहा वो बहुत बड़ी बात है, वो कांग्रेस वालों की बस की भी बात नहीं रही थी। 10 चीज़ों में 2 चीज़ें नहीं हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 चीज़ों से तो आवाम को फ़ायदा होगा। ये जो करीमनगर के वाकफी जायदाद है उस जायदाद पर जो है गंगुला कमलाकर साहब MLA जो उनका जो है कब्जा हुआ और हो रहा है और कई एकड़ों में, तो इस तल्लुक से क्या ये सही है कि वो हाविस हो चुके हैं? ये सबसे पहले गंगुला कमलाकर जो वो ज़मीन रजिस्ट्रेशन कराए, जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हुई वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब
टीआरएस वालों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना और कोई हमारी जमात का इन्वॉल्वमेंट था। जब जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हुआ, रिकॉर्ड के बुनियाद पे उनका दावा है, मैं पट्टेदार से पट्टे की लैंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया। और 2018 में भी सेम इलेक्शन में क्या दोस्तों ये बात हुई थी, तो भाई अगर क्या दोस्तों ये हमारे खुद हम खुद सवाल करे थे, तो भैया अगर वक्फ बोर्ड की प्रूफ हो गई तो 15 एकड़ में और एक 5 एकड़ मिला के मैं पूरी 20 एकड़ वापस करता हूँ बोल के बोले उन्होंने। और फिर जेरे केस चल रहा है, हाईकोर्ट में भी केस है, रेवेन्यू में भी केस है, वक्फ बोर्ड में भी क्या दोस्तों अंडर प्रोसेस है। वो अगर वक्फ बोर्ड की है तो वो वक्फ बोर्ड वाले देख लेते, उससे इलेक्शन को कोई जोड़ना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हम भी सवाल उठाए थे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इलेक्शन से पहले दे दो बोल के, मगर अंडर प्रोसेस कोर्ट में चल रहा। अगर कोर्ट से फैसला हो गया तो हम 5 एकड़ पढ़ के लेंगे, अगर कोर्ट हार गई तो उनकी ज़मीन उनको मिल जाती। वक्फ बोर्ड का इलेक्शन को जोड़ना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। कुछ टी आर एस गवर्नमेंट में होने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में, स्मार्ट सिटी के तहत विनोद कुमार साहब ने स्मार्ट सिटी लेके आए। स्मार्ट सिटी के तहत हर गली, हर वार्ड, हर सड़क, पूरा शहर जगमग हो रहा। आधी रात को भी हमारी एक माँ बहन भी बस स्टैंड करने से उतर के अपने घर पे आ जा सकती। लाइन ऑर्डर भी बहुत अच्छा हो रहा और लाइन ग्राबिंग बंद हो गई, हिंदू मुस्लिम के फसादात बंद हो गए। और म्यूनसिपल लिमिट में क्या बोलते हमने सुनील राव के तहत, विनोद कुमार साहब के तहत और गंगोला कमलाकर साहब के तहत में हर एरिया में जहाँ पर मजलिस है, जहाँ मजलिस के कारपोरेटर्स है वो एरिया भी डेवलप हुए। और जहाँ पर हमारे कारपोरेटर्स नहीं है, जहाँ पर बीआरएस के कारपोरेटर्स है मुस्लिम एरिया है, वो एरियाओं में भी अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपिंग के ताल्लुक से कोई भी शिकायत नहीं है। अब फिलोखत वोटर को ये सोचना चाहिए कि अगर हम कोई वजह से हमारा वोट डिवाइड हो गया तो हमारे तरक्याती काम पूरे रुक जाते। और टीआरएस जितना ज़रूरी है, इंशाल्लाह पूरे स्टेट में 72 से 74 सीट्स बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सर्वे से, बैरिस्टर साहब के बोलने पर 74 सीट केसीआर साहब को मिल रहे हैं। तीसरी बार केसीआर साहब के अलग सीएम भी बनेंगे, चौथी बार करीमनगर में गंगोला कमलाकर भी जीतेंगे। पूरे अजला में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद है, जैसे कि कोरोटला है, जगतियाल है, सुपादंडी है, हजराबाद है, हुसनाबाद है, पेदापल्ली है, रामागुंडम है, मंथनी है और धर्मपुरी है। ये पूरे जितने भी अपने कौन से 13 सीट्स है, बेमलवाड़ा है, सिलसिला है, ये पूरे जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्टर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये पूरे MLO को तायीद रहेंगी। और पूरे हवा जो चल रही कांग्रेस की हवा, करीमनगर में हवा नहीं है, यहाँ पर हवा सिर्फ BRS की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो हवा को रोक दी। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अकसाम के मलबूसात, बुरके, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अकसाम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राबता करें 9951385112।